देखो पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना था ना, तू जा भाई। लेकिन अगर कोई भी होशियारी किया ना उधर, तेरा फैमिली हाथ से जान धो बैठे। भाई साहब इन लो कुछ मत। मॉम मैं आता हूँ। कुछ नहीं, तू उधर बाहर कुछ नहीं करेगा तो मैं भी इधर कुछ नहीं करेगा। नहीं, नहीं, नहीं। प्रॉमिस प्रॉमिस तू नहीं कर। रोडिया तो बोर हो रही है, सॉरी। भजन की किताब ला के तू शट अप। उससे अच्छा टीवी चालू करो ना। हाँ हाँ। क्या बोलता है? बहुत दिन से ना केबल वाला भाई, मेरा केबल का नेटवर्क ही गया, तो तू कब चालू करेगा? रुक मैं तेरे को डेमो देता हूँ। खबरदार जो उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की तो, उसे अभी बातों में लगा कर रखो। मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। क्या दिख रहा? कुछ नहीं आ रहा। देखा, एक चैनल नहीं आ रहा है इधर का, तो खुदा ही नहीं, बंदूक किसके? आपका चोर भाई साहब। गिल छप्पा पारसी कोई नहीं, बंदूक आ गए वापस। एक मिनट, बाजी किधर है? बाजी की चल, वो वॉशरूम चल। हाजी हाँ वो तो तुम क्या इधर बैठने का, तुम चालाकी नहीं है? होता है थोड़ा वॉश। ये कौन है? ये डोर की पर करवा दो। हाँ तू चल बोल। वही नहीं पैसा तो मैं नहीं निकाल पाया। अभी अभी का अभी पैसा नहीं मिला ना तो मैं उल्टा। देखो 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 चोर भाई, वो क्या है, अभी बैंक बंद है हा? और इतनी सारी कैश तो कोई घर में रखता नहीं है ना, तो अभी क्या करें? मॉम एकदम सही कह रही है, आपको फोन करके आना चाहिए था ना, तो हम लोग कैश घर में लग करा कर रख सकते। हाँ बिल्कुल सही कह रही है सासू माँ, अब आजकल कौन कैश रखता है घर में, और ज्वेलरी की बात अलग है, वो तो होती ही है घर में। करेक्ट बोली छोकरी, कैश नहीं है तो कोई वादा नहीं, ज्वेलरी लेके आ सब। सागर तेरी बीवी कितनी डफर है, अभी ज्वेलरी की बात निकालने की क्या जरूरत थी? देखो देखो देखो, वो हमारे घर में जितनी भी ज्वेलरी रहती है ना, वो हम बैंक के लॉकर में रखते हैं। और ये सब जो पहना है ना, ये सब भी आर्टिफिशियल है, नकली नकली। अच्छा सासू माँ, ले मुझे तो आपने बताया नहीं कि आप कब ज्वेलरी रखने गई, तो मैं अपनी डायमंड रिंग ले लेती ना, वो तो मेरे पास ही पड़ी है अभी। मही तेरे पास कौन सी डायमंड रिंग है? तुम्हारे पास कोई डायमंड की रिंग नहीं है। कहाँ है तुम्हारे पास डायमंड की रिंग? है सासुमा, सागर जी ने ना मुझे एंगेजमेंट के वक्त दी थी मस्त डायमंड रिंग, मैं दिखाऊं आपको? दिखाओ। नहीं दिखनी मुझे अभी, अरे नहीं देख, जल्दी लेके आ, दिखा मस्त से मस्त देखता। सागर देख लिया कितनी बेवकूफ है तेरी बीवी। जस्ट यू आर राइट, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, डायमंड रिंग दिखाना उसको। देखे सासू माँ एकदम चमकीली मस्त है ना, कम से कम 5-6 लाख की तो होगी ही ये, मस्त एकदम। मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। इस डोरबेल कौन होगा? पुलिस होगी। अरे पुलिस? हाँ मैंने बुलाया उसे वॉशरूम जाने के बहाने। पुलिस प्रवीण भाई दरवाजा खोलो। अबे खोल दो। खबरदार वो तो गया तेरा डोरकीपर का काम, वही दरवाजा नहीं खोलेगा इधर आ। सही कह रहे चोर भाई साहब, वैसे भी पुलिस के लिए दरवाजा खोलकर क्या फायदा, अगर उनको भागना होता तो मेरे रूम के दरवाजे से नहीं भाग जाते। रेड बोलती है छोकरी, मेरा रूम किधर है? मेरा हाँ। मेरा ना यहाँ से चोर भाई साहब सीधा यहाँ पे। थैंक यू। चले गए। मैंने क्या किया?
लो बोलो, ये इतनी बेवकूफ है कि उसे पता भी नहीं है उसने क्या किया। मैडम मैं पुलिस लेके आऊं? अब क्या फायदा, चोर तो भाग गया ना। क्यों अब क्यों उदास बैठी हो, डायमंड रिंग चली गई इसके लिए? नहीं नहीं सासू माँ, उसके लिए नहीं, वो तो मैंने उन जानबूझ कर दी थी उनको। मतलब? मतलब ये सासू माँ, मैंने ना चोर भाई साहब को फोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। वो चोर नहीं है सासू माँ, बल्कि उनकी बेटी हॉस्पिटल में है और उनके ऑपरेशन के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उनकी मदद की और रिंग दे दी। मही कभी तो दिमाग से सोचा करो, 5-6 लाख का नुकसान करवा दिया ना तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में। मही बहन थैंक यू वेरी मच, आज आपकी वजह से मेरी बेटी बच गई और अब वो बिल्कुल ठीक है। और हाँ एक मिनट, ये लीजिए, ये आपके लिए लीजिए, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। पर इसे तो आपने बेच कर... नहीं, 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 बेचा नहीं था, मैंने सिर्फ गिरवी रखी और अपने गांव की जमीन बेच दी और ये रिंग वापस लेकर आया। शायद आप कीजिएगा, वो उस दिन चोरी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। प्लीज हो सके तो अब सब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, नहीं। मैं चलता हूं, थैंक यू, बाय। सासु माँ, देखा सासु माँ, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है ना सागर जी? बिल्कुल सही कहा मैं। हाँ बोला जोरू का गुलाम।